प्रखंड कार्यालय खरौंदी में डीडीसी ने प्रखंड कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खरौंदी से हमारे संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। खरौंदी प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को विकास कार्य को लेकर डीडीसी राजेश कुमार राय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन की गई। डीडीसी ने मनरेगा में काम मानव दिवस की उपलब्धियों पर संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक को कड़ी फटकार लगाई। डीडीसी ने सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में मनरेगा योजना तत्काल चालू करने के लिए बीडीओ गणेश महतो को निर्देशित किया ताकि श्रमिकों का पलायन रुक सके। प्रखंड में लंबित प्रधानमंत्री आवास को जल्द से जल्द पूरा कराने का भी निर्देश दिया। संबंधित पंचायत सचिवों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अधिक से अधिक बेरोजगार युवकों को भी जोड़ा जाए। शिक्षा विभाग से समीक्षा बैठक में सावित्रीबाई फुले वाटिका समृद्धि योजना में अधिक से अधिक लाभ दिलाने को लेकर निर्देशित किया एवं सुखाड़ योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को भी लाभान्वित करने के लिए वीडियो को निर्देशित किया गया। साथ ही कई विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर वीडियो गणेश महतो, जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान, प्रमुख आभारानी, उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य, बिसूत्री अध्यक्ष राजेश रजक, मुखिया मंजू देवी, श्वेता देवी, मनसा देवी, प्रमोद राम, पूर्व मुखिया शिव कुमार प्रसाद यादव, बीडीसी विकास सिंह, कृष्णा राम, बीपीओ डिंपल गुप्ता, जय वरुण कुमार, नीतीश कुमार, वसीम अकरम, अकाउंटेंट असनानंद राम सहित कई कर्मी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।